पर चंपावत से गुणवत्ता विहीन नाली निर्माण का लगाया आरोप। विधायक प्रेम सिंह राणा ने विधानसभा क्षेत्र तथा खटीमा नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 डिग्री कॉलेज रोड में नाली निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल का मामला प्रकाश में आया। स्थानीय लोगों ने सड़क तोड़ने, घटिया सामग्री इस्तेमाल करने और कछुआ चाल का आरोप लगाते हुए खटीमा तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों का कहना है, सड़क पर चलना दूभर है, जल भराव की स्थिति है, सड़कों पर मलबा पड़ा है, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव अनुज अग्रवाल ने कहा, नाली निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, सड़क को पूरी तरह तोड़ दिया गया, सड़कों पर जल भराव बढ़ा है, घरों के आगे मलबा पड़ा है, जिससे काफ़ी दिक्कतें हो रही। तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि नाली के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया, इस संबंध में संबंधित अभियंता द्वारा जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। खटीमा नगर पालिका ईओ मनोज कुमार दास ने बताया, स्थानीय लोग पहले सड़क निर्माण कराना चाहते थे, लेकिन पहले नाली निर्माण होने दिया जाए और अगर इसमें विलम्ब होता है और गलत काम किया जाता है तो जांच के बाद कार्रवाई होगी। ये भुवन जोशी नाम का एक ठेकेदार है जिसको यहाँ नगर पालिका ने ठेका दिया है। उस भुवन जोशी से हमने कम से कम 50 बार कहा कि भाई ये नाली निर्माण में अनियमितताएं हो रही हैं, तो उसका ये कहना है कि मैंने ठेका आगे दे दिया है। मैंने आगे ठेका दे दिया है और जो आगे ठेकेदार है, अब मैं उससे कह रहा हूँ, वो उस बात को नहीं सुन रहा है। और समस्या क्या है वहाँ पे नाली में, क्या समस्या ये है कि जो नाली निर्माण हो रही है उसमें घटिया सामग्री लग रही है, उसमें रोड को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, उसमें स्लेब नहीं, उसमें जो स्लेब डाले गए उससे नाली बंद हो गई है, उसमें जो उसका ढाल है वो सब पानी वहीं का वहीं जमा हो जा रहा है, लोगों के आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लोगों के घरों के आगे मलबा पड़ा हुआ है जो 20-25 दिन से उठ नहीं रहा है, और ठेकेदार से बात कर रहे हैं तो ठेकेदार सुन नहीं रहा है। और नगर पालिका के ईओ से मेरे द्वारा कहा गया, 3 दिन पहले कहा गया, तो उसने कहा ठीक है तुम्हें जहां शिकायत करनी है वहां शिकायत कर। कितनी की लागत से मार्ग बनना, क्या है इसका पूरा मामला? अभी जो है वहाँ के ग्राम मोहल्ले वासियों द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में के संबंध में जो नाली का जहाँ तक मामला है तो उस संबंध में जो है जो खटीमा से बात की गई, उनके द्वारा बताया गया है कि कल जो है उनके इंजीनियर साहब आएंगे और उसको चेक करेंगे, तदुपरांत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है। खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।